शुरुआत हो रही है, तमाम जो राजनीतिक दल है अपनी अपनी तैयारियां लेकर सदन में पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस प्रकार की तैयारी की गई है, सत्ता पक्ष किस प्रकार की तैयारी की है? कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं सर आप। किस प्रकार की तैयारी है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, कई मुद्दों को लेकर बैठा है। सबसे बड़ी बात की जाए तो नू हिंसा को लेकर सवालिया निशान आपकी सरकार पर उठा रहा है, इसके अलावा सीईटी एग्जाम को लेकर अनेक मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कैसी तैयारी है सर? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है और जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनका सब काम पूरी उससे जवाब देंगे। और ये भी जो मुद्दे हैं इनका भी सारी खुल के सामने आएगी और जनता को भी इस बात का पता चलेगा कि ये नू हिंसा में दोषी कौन है। तो निश्चित तौर से उस पर खूब चर्चा करेंगे, जितना भी वो चाहेंगे हम उसका जवाब देंगे। सीटी एग्जाम को आप कैसे देखते हैं? 41 प्रश्न रिपीट हुए हैं लगातार, इसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखिए, पूरी तरीके से उनका भी सबका जवाब देंगे हम, वो हाउस में निश्चित तौर से जवाब देंगे। एक आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं कि सेशन की जो अवधि है वो काफी छोटी रखी जाती है, मुद्दे अनेक हैं, उस समय में तमाम मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं है। देखिए, कांग्रेस की सरकार 10 साल तक चली और 10 साल में उन्होंने कितना टाइम तक सेशन चलाया वो देखना चाहिए। अगर हमारा सेशन उनसे 1.5 गुना ज्यादा है फिर तो ठीक है ना, हमारा टाइम भी ज्यादा है। अभी हमारा जो 3 दिन का सेशन है, अगर पिछले साल लगाए तो 4 दिन का है। अभी सीटिंग 4 दिन की बैठती है उसके, क्योंकि अब जो हाउस है वो 2 घंटे ज्यादा चल रहा है पहले से। पहले जो था वो कम टाइम चलता था, अब 11 बजे से लेके 6 बजे तक है, पहले 10 बजे से लेके 2 बजे तक सेशन था। तो अब हमने काफी टाइम उसमें बढ़ा दिया और सेशन तो उतने टाइम चलेगा जितना बिजनेस होगा। और उसके बाद जो भी एसी की मीटिंग होती है उसमें सारी बात रखी जाती है और फिर सबकी सहमति से ही होता बीएसई है। की मीटिंग में तो वो कह रहे हैं कि मेजोरिटी से फैसला लिया गया है, वो अकेले थे, मेजोरिटी आपकी पक्ष की थी, तो कहीं ना कहीं 3 दिन में तमाम जो सेशन कवर करने की बात की गई है। देखिए, ये तो होता ही है मेजोरिटी, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई भी ऐसा विषय था जिस पे वो कमेटी को इस बात से प्रभावित करते कि हाउस इससे ज्यादा चलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस भी इतना ही था और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा नहीं। और उनके टाइम में तो 2 ही सेशन होते थे साल में, और दूसरे में मेरे ख्याल से 1 दिन और 2 दिन से ज्यादा कभी उन्होंने किया नहीं है। और हमने ही जब हमारी सरकार बनी तो हमने ही ये निर्णय लिया था कि हम 2 के बजाय 3 सेशन बुलाएंगे, और 3 सेशन बुला रहे। अंतिम सवाल रहेगा सर, बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड दिया जाएगा, चर्चा हुई है, कल भी बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय है, कौन बेस्ट एमएलए के रूप में निकल करके सामने आया इस बार? देखिए, सोमवार को ही पता चलेगा और उसके सारे की सारी डिटेल जो है, कुछ डिटेल थी हमारे पास लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि और ये डिटेल ज़्यादा लेके आओ ताकि सबका पता चले, हर सभी जितने भी हमारे विधायक हैं सबके बारे में डिटेल लेके आओ ताकि उसमें से हम निर्णय करें। तो सोमवार को उसका निर्णय कर देंगे। किन पहलुओं पर चर्चा होती है सर, किन चीजों को देखकर बेस्ट एमएलए जो है वो चुना जाता है? देखिए, उसकी सारी परफॉर्मेंस होती है, चाहे हाउस की उसकी परफॉर्मेंस है, चाहे उसके सवाल लगाने की है, चाहे कमेटियों में उपस्थिति की है। तो हर दृष्टि से उसको देखा जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसके हर चीज़ के नंबर होते हैं दिए उसमें, तो उसके हिसाब से हम फैसला करते हैं। तैयार हैं फिर विपक्ष के लिए सवालों के जवाबों के लिए? हाँ, निश्चित तौर से पूरी तरीके से तैयार है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि विपक्ष जो भी चाहे मुद्दे उठाए, सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो सदन में दिए जाए।